तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है और एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे MCU और DCU के सुपर हीरोज के बारे में। तो पहले जो आता है MCU का, वो है आयरन मैन और DCU का है साइबर। इन दोनों में आज हम कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों में कौन जीतेगा। यहाँ पर हम कंपैरिजन पॉइंट के हिसाब से करेंगे दोस्तों। जो ज़्यादा पॉइंट मिलता है जो उसको हम जो विनर कहेंगे और दूसरे को लूजर कहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो स्ट्रेंथ साइबर सिर्फ 50 टन का वजन ही उठा सकता है, लेकिन हमारा आयरन मैन 100 टन की वजन उठा सकता है। आप लोग देखा होगा कि जब थैनोस से लड़ाई करते हुए गार्डियंस और एवेंजर्स मिलकर जब लड़ाई कर रहे थे, तो आयरन मैन ने थैनोस के ऊपर एक क्या गिराया था, आप लोगों को याद है। तो यही पर स्ट्रेंथ के मामले में आयरन मैन जीत जाएगा। तो नंबर टू पे आते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की तो बात ही मत करो भाई लोग, आयरन मैन का सिर्फ इतना ड्यूरेबिलिटी है कि वो इन्फिनिटी स्टोन स्नैप करके बाद भी आयरन मैन कुछ नहीं हुआ था भाई लोग। तो ड्यूरेबिलिटी के आगे आयरन मैन भी जीत जाएगा। यहाँ पर आयरन मैन का 2 पॉइंट और साइबर का 0 पॉइंट हो गया। लेकिन साइबर हैकिंग के मामले में थोड़ा आयरन मैन से आगे है भाई लोग, क्योंकि वो मदरबग से बना है। जो हैकिंग के मामले में साइबर आयरन मैन से आगे निकल जाएगा। सूट आयरन मैन का सूट वो हैक कर सकता है, लेकिन आयरन मैन ने कुछ सोचा होगा हैकिंग के बारे में, तो ये पॉइंट ले जाएगा साइबर भाई लोग। तो स्पीड के मामले में आयरन मैन फास्ट है भाई। देखो आयरन मैन का पीछे एक बूस्टर लगा है, तो आयरन मैन ने बहुत ही स्पीड फ्लाई करता है भाई लोग। तुम जो भी बोलो आयरन मैन ही जीतेगा भाई, क्योंकि आयरन मैन नैनो टेक्नोलॉजी सूट को अपनी इंटेलिजेंस से टाइम मशीन बना चुका है भाई। क्योंकि हमारा साइबर यहाँ पे नया बंदा है, वो जस्टिस लीग में नया बंदा है, तो इसलिए हमारा आयरन मैन ओल्ड मैन है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस लगता है वो बैटल में। तो यही मैच आयरन मैन ही जीतेगा भाई लोग। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।